अब पत्नी चाहेगी कि उससे भरण पोषण ही नहीं, उसको किटी पार्टी में जाना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो यह संभव नहीं है। कानून के की जो आत्मा है वह भरण पोषण के लिए इंगित है, न कि आपके विलासपूर्ण वैभव को पूर्ति करने के लिए है। साथियों, मामला दरअसल कुछ ऐसा था कि पति के विरुद्ध कोर्ट ने 10,000 रुपया महीना पत्नी को देने के लिए और 3,00,000 रुपया एलुमिनी की राशि देने के लिए निर्णय पारित किया गया था। पति के द्वारा कोर्ट में यह दलील दिया गया कि मैं किराना दुकान चलाता हूं और मेरे सर पे एक कुंवारी बहन और माँ की जिम्मेदारी है, तो मैं 10,000 रुपया नहीं दे सकता। इस 10,000 रुपये का जो अवार्ड है उसको कम कर दिया जाए और जो 3,00,000 रुपये की एलुमनी फिक्स की गई है उसको कम कर दिया जाए। माननीय सत्र न्यायालय ने पति की अर्जी को स्वीकार करते हुए भरण पोषण की जो 10,000 रुपये की राशि थी जो पत्नी को मिलने वाली थी उसको कम करके 5,000 रुपया कर दिया गया, और जो एक मुश्त गुजारा भत्ते की राशि 3,00,000 थी उसको 2,00,000 कर दिया। पत्नी इस प्रकरण को लेकर माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट चली आई। पत्नी शादी के पहले नौकरी करती थी, काम करती थी और कुछ मासिक धन अर्जन करती थी, और जब से न्यायालय के द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने का अवार्ड पास हुआ है पत्नी के द्वारा काम करना बंद कर दिया गया है। तो कोर्ट का जो कहना था कि पत्नी को गुजारे भत्ते के सहारे ही नहीं रहनी चाहिए, उसको कुछ काम करना चाहिए। साथियों, भरण पोषण या गुजारा भत्ता दिए जाने के पीछे संविधान का जो उद्देश्य है उसको भी देखा जाना चाहिए। गुजारा भत्ता शब्द में स्पष्ट परिलक्षित है कि इससे गुजारा हो जाए ऐसी राशि गुजारा भत्ता है, यानी एलुमनी है, और जिससे भरण पोषण हो जाए यानी आपका जीवन चल सके ऐसी जो राशि है वो मेंटेनेंस की राशि है। परिवार न्यायालय या फिर सेक्शन 125 के तहत जो गुजारा भत्ता तय किया जाता है वो इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, पत्नी का भरण पोषण हो जाए। अब पत्नी चाहेगी कि उससे भरण पोषण ही नहीं, उसको किटी पार्टी में जाना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो यह संभव नहीं है। संविधान ने जो कानून बनाया है उस कानून के की जो आत्मा है वह भरण पोषण के लिए इंगित है, न कि आपके विलासपूर्ण वैभव को पूर्ति करने के लिए है। इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपको सिर्फ एलुमनी या मेंटेनेंस के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको काम भी करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य में यह बात भी आया कि पत्नी के बच्चे भी हैं और पत्नी शादी के पहले नौकरी करती थी। तो यह था साथियों कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। इसी तरह के और कई फैसले भारत के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिसमें भरण पोषण और गुजारा भत्ते के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया है कि इससे आपका भरण पोषण या गुजारा हो सकता है, आपको अपना जीवन और बेहतर तरीके से, अपने बच्चों का जीवन और बेहतर तरीके से करना है तो आपको काम करना होगा। आपके मन में इस वीडियो के संबंध में कोई विचार होगा तो मुझसे जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।